हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ये जो स्टेटमेंट है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से रिलेटेड है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, है ना। सहेली सीडीआर लखनऊ से डेवलप जो टैबलेट है, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसमें स्टीरॉयड नहीं है, इसमें केमिकल होता है सेंट्रोमिन, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो रिसेप्टर है एंडोमेट्रियम पे उस पर जुड़ के उसको मॉड्यूलेट करता है। इससे एस्ट्रोजन वहाँ जुड़ नहीं पाता है और एंडोमेट्रियम को प्रोलिपरेट नहीं कर पाता है। इससे उसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी और इम्प्लांटेशन अफेक्टेड होगा, है ना। तो सेली टेबलेट जो है इम्प्लांटेशन को ब्लॉक करती है, लेकिन अगर उसमें स्टीरॉयड होता है ना, अगर उसमें स्टीरॉयडल प्रिपरेशन होता तो वो फिर जो ओवुलेशन है उसको टारगेट करती है, लेकिन इसमें स्टीरॉयड नहीं होता है ना। तो स्टीरॉयडल की वजह से जो है ये रॉन्ग हो गया है ना। तो सेकंड देखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई, है ना, आर द मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। सही है, हेल्दी सोसाइटी जो है उसके लिए अलग अलग जो उसकी यूथ है ना, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो एक चैलेंज है और एक खतरा भी है ना, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फिर आईयूआई के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है एक उस पर्सन के लिए जो खुद फीमेल को इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है, या फिर जिसकी स्पर्म काउंट कम है ना। तो इसके दो पार्ट है, एक तो है इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। तो जैसे आईयूआई जो है उसके रेस्पेक्ट में कि आईयूआई सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड, या तो उसमें जो है हस्बैंड से सीमन को कलेक्ट किया जा रहा है, और ए हेल्दी डोनर, या फिर किसी हेल्दी डोनर से जो है सीमन को कलेक्ट किया जाता है, और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू वेजाइना और यूट्रस, या तो उसको वेजाइना में या फिर यूट्रस में। अगर अप्रोप्रिएटली देखें तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो है वो जो यूट्रस के लिए प्रेफर होता है, उसके लिए ज़्यादा सही होता है। और ऑप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं आगे। स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में जो स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर अगर देखें तो ये परफेक्टली यहाँ पे करेक्ट हैं, और सेकेंड एंड फोर के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट एंड फोर दिया है, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, थर्ड एंड फोर दिया है और सेकेंड थर्ड एंड फोर भी दिया है, लेकिन ओनली सेकेंड तो नहीं होगा, ओनली सेकेंड तो नहीं है क्योंकि फोर भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना है वो है सेकेंड, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी अपने पास में नहीं है। अगर थर्ड की बात करें तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूज की बात की है तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कुछ रिलेट हो रहा है, फिर भी इसको और भी अपन परफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एआई लगा के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। तो और ऑप्शन नहीं है नहीं, इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर जो है सेकेंड के अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे। तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को और परफेक्ट किया जा सकता है, और वो कैसे, आईयूआई की जगह एआई लगा के। आगे बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल इंक्लूड, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, कि एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर जो है उनके करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। जैसे गिल सिलिट्स है वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में, गिल सिलिट्स का पाया जाना, फेरिंगियल गिल सिलिट्स, पोस्टेनल टेल भी हो सकता है, नोटोकोड भी सभी के अंदर होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलप होता है तो वो अपने ही अडल्ट जो अपने ही जो कैटेगरी है उसके अडल्ट जैसे फीचर को ज़्यादा शो करता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि बर्ड्स में टीथ नहीं होते, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट के दौरान वो अपने एंसेस्टर के करेक्टर को फॉलो करता है, और उनके एंसेस्टर रेप्टाइल थे, इसलिए उनकी जो बर्ड्स हैं उनके एम्ब्रियो की बीक के अंदर जो वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक मैमल जो है जैसे ब्लू व्हेल है और अदर है, उनमें भी
बॉडी हेयर नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो एंसेस्टर हैं उनमें हेयर होते हैं, होते थे, इसीलिए सभी मैमल में हेयर है। लेकिन एक्वेटिक मैमल्स जो हैं उनमें बॉडी हेयर नहीं होते हैं अडल्ट स्टेट में, लेकिन बर्थ से पहले उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। तो ये भी ओंटोजेनी है कि अर्ली डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर के करेक्टर को शो करना, लेकिन वो बॉडी हेयर बर्थ से पहले ही उनकी बॉडी से हट जाते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी इन अडल्ट ह्यूमन, नहीं, पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर हमारे अंदर हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं ना। तो ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये वाला अपने रॉन्ग हो गया। अगर पूरी बॉडी पे हेयर हो तो ये तो एटविज्म है, जैसे ड्रायोपिथिकस की तरह एंसेस्टर जो है उसमें पूरी बॉडी पे हेयर थे, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी पे हेयर रिड्यूस हो गए थे। तो बॉडी हेयर एक तरीके से कह सकते हैं कि वेस्टिजियल फीचर है, पूरी बॉडी पे जो हेयर है अडल्ट के अंदर उसको यहाँ से रिलेट नहीं करना है। फिर सेकेंड की अगर बात करें, अब्सेंस ऑफ टेल बोन एंड प्रेजेंस ऑफ विजडम टूथ है ना, तो अब्सेंस की जगह क्या आता, प्रेजेंस ऑफ टेल बोन की, और उसके साथ ही अगर देखें तो टेल बोन में भी कुछ जो इन्फेंट होते हैं, नवजात होते हैं, उनमें बर्थ के दौरान एक टेल होती है, तो वो एंसेस्टर के करेक्टरिस्टिक्स से रिलेट, वो एंसेस्टर के करेक्टर से इस तरीके से रिलेट हो सकती है, जिसको अपन कहते हैं एटविज्म है ना। लेकिन परफेक्टली यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट की बात हुई है ना, अर्ली डेवलपमेंट, तो हमें अर्ली डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, और ये भी अडल्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ पर भी न्यूबॉर्न की बात हो रही है। थर्ड देखते हैं, अब्सेंस ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो, अब्सेंस की जगह क्या आता, प्रेजेंस आता है ना, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। फोर्थ देखें, प्रेजेंस ऑफ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ये सही है, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान सभी जो एम्ब्रियो हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, जो डेवलपमेंट के जैसे जैसे उनमें आगे ग्रोथ होती है वो गिल स्लिट डिसअपियर हो जाती है। हाँ, फिश जो है उसमें एडल्ट में मिलता है ना, तो इसके सपोर्ट में जो है वो फोर है। बाकी अगर देखें तो यहाँ पे अब्सेंस की वजह से ये रॉन्ग हो गया, और इनके अंदर न्यूबॉर्न या अडल्ट की बात हो रही है, हमें ऑन्टोजेनी वाला जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है अनरेस्टेकल वाला, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज से रिलेट करना था, ठीक है, इसलिए आंसर है फोर। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें कि कुछ स्टेटमेंट दिए और करेक्ट देखना है अपने को। और पहला है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, जब मेंसुरल साइकिल होता है तब हाइजीन वगैरह रखना काफी जरूरी होता है। फिर प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसल सेल, ये प्राइमरी ओसाइट है और इसके सराउंडिंग में कुछ ग्रेन्युलोसल सेल्स है, फोलिकुलर सेल्स इसको सराउंड करती है, और ये क्या कहलाता है, प्राइमरी फोलिकल, ये भी सही बात है। फिर सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये भी सही है। फिर फोर्थ देखें, इन फीमेल यूट्रस इज सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वॉम, यूट्रस सिंगल भी है, वॉम उसको वॉम भी कहते हैं, तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो क्या है, करेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस जो HIV है उसके रेस्पेक्ट में जेनेटिक मटेरियल है, तो वो दो RNA होते हैं और दोनों RNA जो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड, टू सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। असर्सन रीजन से रिलेटेड है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में प्रोटेक्ट नेबरिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, सही है, जब भी किसी हेल्दी सेल के अंदर वायरस की एंट्री होती है तो वो सेल जो है वो ऐसे प्रोटीन बनाती है जिनको जिनको हम लोग इंटरफेरोन बोलते हैं, और उन प्रोटीन को बना के वो अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देती है ACF में, और सराउंडिंग में जो हेल्दी सेल्स हैं उनके पास उस केमिकल का रिसेप्टर है, तो जैसे इंटरफेरोन उस रिसेप्टर पे जुड़ता है तो वो हेल्दी सेल जो वो एंटीवायरल प्रोटीन बना लेती है,
जो उन हेल्दी सेल में फर्दर जो वायरस की एंट्री होगी तो उसके एम्प्लीफिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं ना। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में प्रोटेक्ट नेबरिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये सही है कि वायरस संक्रमित कोशिकाएं पड़ोसी गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा करती है इंटरफेरॉन बना के। लेकिन दूसरा देखें, इंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, नहीं ये गलत हो गया, इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल्स बनाती है। तो ए असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऐसा स्टेटमेंट अपने को जो देखना है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की बात करें तो चार से छह जनरेशन के अंदर अंदर एक ही ब्रिड के जो रिलेटेड इंडिविजुअल है उसमें क्रॉस होता है। जो फीमेल है वो सुपीरियर है मिल्क के लिए, और मेल है सुपीरियर है प्रोजेनी के लिए। तो उनमें जब क्रॉस होता है उनकी प्रोजेनी आती है, प्योर होमोजाइगस जिसको बोलते हैं, और उनमें भी सुपीरियर को सेलेक्ट करके फिर इनब्रीडिंग कराई जाती है। तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटरोजाइगोसिटी घटती है, है ना। सुपीरियर जीन एक साथ आ जाते हैं, इन्फीरियर जीन अलग अलग चले जाते हैं। नेचुरल सेलेक्शन से जो जीन सेलेक्शन से बाहर हो गए थे वो रीएक्सपोज हो जाते हैं हार्मफुल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो स्मॉल टी हेटरोजाइगस कंडीशन में छिपा हुआ है, तो जब सेल्फिंग हुई तो स्मॉल टी वापस आ गए। लेकिन हर स्टेप पे सेलेक्शन होता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों एलील रिसेसिव है उनको हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें लगातार इनब्रीडिंग से वेरिएशन कम हो जाती है, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, जिसको ओवरकम किया जा सकता है सिंगल आउटक्रॉस से, है ना। तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो पहला है इट कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर ए फ्यू जनरेशन, बिल्कुल सही है। जब लगातार सेल्फिंग होगी तो वेरिएशन डिक्रीज हो जाती है ना, और वेरिएशन की कमी के कारण उनके फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है, और उसी के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो ये तो सही बात है, अपने को गलत देखना है। ऑलवेज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, नहीं, हमेशा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगी ये। देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी तो आ रहा है, और इसके अलावा इम्प्योर जीन भी एक साथ आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी प्रोडक्टिविटी उनकी कम है। हाँ, प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब सुपीरियर जीन जैसे कैपिटल टी एक साथ आए, है ना। तो ये गड़बड़ हो गया सेकंड वाला। थर्ड देखें, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए प्योर लाइन, ये बिल्कुल सही है। प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो प्योर हो उनको बोलते हैं, और होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो गलत पूछा है, और गलत कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ओके, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, स्पर्मेटोगोनियम एंड स्पर्मेटिड आर डिप्लोइड। देखो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है, उसमें ग्रोथ फेज वो 2N होता है, उसमें ग्रोथ फेज की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो भी 2N होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी बनेगा, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो N N2C है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन सेकेंड होगा, जिससे हैप्लोइड N N1C सेल बनेगी, जिसको स्पर्मेटिड बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लोइड है, लेकिन स्पर्मेटिड जो है वो हैप्लोइड है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है, ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखें, वन स्पर्मेटिड गिव राइज टू वन स्पर्म एंड वन सेकेंडरी ओसाइट गिव राइज टू वन ओवम, सही बात है। एक स्पर्मेटिड जो है उससे में डिफ्रेंसिएशन के बाद एक ही स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है, और एक सेकेंडरी ओसाइट जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो मैच्योर होके एक ही ओवम बनाता है, जो बाद में जायगोट में चेंज हो जाता है ना। तो ये वाला सही है। थर्ड देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएस, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें दो पार्ट है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की बात करें तो उसमें स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनते हैं, और उसको टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है ना। इसलिए देखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटिड में बदला है। और जब LH हार्मोन लीडिंग सेल को प्रमोट करता है तब टेस्टोस्टेरोन बनता है, लेकिन FSH जो है वो सर्टोली सेल को प्रमोट करता है, और जब सर्टोली सेल को प्रमोट किया जाता है FSH से तो वो सर्टेन फैक्टर्स बनाती है, और वो सर्टेन फैक्टर जो हैं वो स्पर्मेटिड को डिफ्रेंशिएट करा के स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। फोर्थ देखें, ए चेंज इन ओवम आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म देन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी। जब भी
ओवम को स्पर्म टच करता है तो उस दौरान उसमें जो मियोटिक डिवीजन सेकंड मेटाफेज टू में रुका हुआ था वो पॉज रिज्यूम हो जाता है, और जैसे रिज्यूम हुआ तो मेटाफेज सेकंड पूरी, एनाफेज सेकंड पूरी, टेलोफेज सेकंड पूरी, कैरियोकाइनेसिस सेकंड पूरा होके और साइटोकाइनेसिस सेकंड भी पूरा हो जाता है अनइक्वली, है ना। और इससे एक और छोटी सेल बनती है जिसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखो, द सेकेंडरी ओसाइट इन द ग्राफियन फोलिकल फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो जो मैच्योर फोलिकल ग्राफियन फोलिकल है उसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो अपने सराउंडिंग में एक नई मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा जेड भी जो उसको फॉर्म कर लेता है। हालांकि उसकी बात करें तो वो हालांकि स्टार्टिंग में बन जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको भी करेक्ट मानेंगे, है ना। तो विच ऑफ अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आप ऑप्शन हो जाएगा फोर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन या ओनली प्रोजेस्टोन, और वो ओवुलेशन इम्प्लांटेशन उन सबको टारगेट करते हैं, ओवुलेशन को भी इम्प्लांटेशन को भी, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसकी थिकनेस को भी बढ़ा देता है, जिससे स्पर्म का अपवर्ड जो मूवमेंट है वो भी कुछ अफेक्टेड होता है ना। तो अपने को इसमें नॉट करेक्ट देखना है, ठीक है। तो दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले जो 5 दिन है उसमें स्टार्ट करके पूरा 21 दिन तक उनको लिया जाता है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दे कंटेन स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, सही है। दे इनहिबिट ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन, सही बात है। ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, नहीं ये बैरियर मेथड नहीं है, बैरियर मेथड कॉन्डम, मेल फीमेल सर्वाइकल जो डायफ्राम है, सर्वाइकल केप है, ओल्ड केप है, वो बैरियर है ना। तो यहाँ पे गलत पूछा था और गलत इनकरेक्ट जो है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, तो वो आंसर हो जाएगा फोर। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन विच प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सेल, जब भी वैक्सीनेशन किया जाता है तो हम लोगों को एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव फॉर्म में अपने बॉडी में डेवलप होती है, और उसमें वो वीक एंटीजन जब बॉडी में जाता है तो इससे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है और वो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बना लेती है, और वो मेमोरी सेल पूरे लाइफ टाइम लिम्फ नोड में पड़ी रहती है, और जब भी वो एंटीजन सेकेंड टाइम दोबारा बॉडी में एंट्री करता है तो मेमोरी सेल तुरंत एक्टिवेट होकर एक क्विक रेस्पॉन्स जनरेट करती है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मेमोरी सेल। दो स्टेटमेंट दिए हैं, चलो ठीक है। पहला है, निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, नहीं एड्रेनल कॉर्टेक्स को नहीं, एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं ना, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 200 होता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 111 करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, नहीं एस्ट्रोजन मेमोरी डक्ट ग्रोथ कराता है, प्रोजेस्टोन एल्यूलर ग्रोथ कराता है, लेकिन मिल्क फॉर्मेशन को प्रोलैक्टिन हॉर्मोन जो वो स्टिमुलेट करता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू मेमोरी एम्पुला, नहीं पहले जैसे अगर देखें तो मेमोरी एल्यूला ही है जो मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके मेमोरी डक्ट और फिर एम्पुला और फिर वो आगे ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, तो ये वाला भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। थर्ड देखें, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट कंप्राइजेज 15-20 मेमोरी लोब, हाँ हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15-20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होती है, ये सही बात है। और फिर एम्पुला इज द साइट वेयर मिल्क सिक्रेशन अकर, है ना, ये गड़बड़ हो गया, मिल्क का फॉर्मेशन उसका सिक्रेशन मेमोरी एल्यूलाई में होता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है रॉन्ग है, और यहाँ पे करेक्ट वन जो है वो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 112 कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग अपने को देखना है ना, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कि द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है कि हाइमेन की जो उपस्थिति अनुपस्थिति है वो उस फीमेल की जो वर्जिनिटी है उसका एक सही इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि
वो हाइमेन जो है वो किसी अदर कॉज के कारण भी डैमेज हो सकती है, जैसा बी में लिखा है कि द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, हाउ ईयर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल, जोल्ट, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन। अलग अलग कारण दिए हैं, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस से भी टूट सकती है, लेकिन सडन अचानक गिरने से या किसी अन्य झटके से, या टेम्पोन जो वेजाइनल फ्लूड होता है, मेंसुरल फ्लो, उसको एब्जॉर्व करने के लिए जो कॉटन प्लग होता है वो अगर वेजाइना के अंदर इनपुट किया जाए तो उससे भी वो डैमेज हो सकता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 13 देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट को कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर टेस्टिस जो उसमें 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल लॉब्यूल कितने हैं, टेस्टिकुलर 500 है ना। जैसे एक जो मेमरी ग्लैंड है, एक ब्रेस्ट है, उसके अंदर 15 से 20 जो है मेमरी लॉब होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 30 से 40। वैसे ही यहाँ पे एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है लोब्यूल्स वाले, है ना, ये ठीक है, अपने को गलत देखना है। सेकंड देखें, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1, 2, 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल। सही है, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड देखें, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड ऑन इट्स इन साइड बाई मेल जर्म सेल ओनली। नहीं, मेल जर्म सेल के साथ साथ वहाँ पर सर्टोली सेल भी होती है, तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखें, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन इंटरस्टिटियल स्पेस ऑफ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो हैं उनके इंटरस्टिटियल स्पेस जो है उसके अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए लीडिंग सेल को इंटरस्टिटियल सेल भी कहते हैं ना। तो इसमें गलत पूछा है तो गलत जो है वो हो जाएगा थर्ड, और वो भी क्यों, क्योंकि उसमें जर्म सेल के साथ सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है एंटीबॉडी के रेस्पेक्ट में पूछी गई है, तो आप लोग देखें कि जैसे अगर एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो, मान लो ये जो है ये हैवी चेन और ये लाइट चेन है ना, तो इस एंटीबॉडी का ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ये वाला, तो यहाँ पे ये वेरिएबल हैवी है और ये वाला वेरिएबल लाइट है, इधर भी ये वेरिएबल हैवी है और ये वेरिएबल लाइट है, समझे। तो वेरिएबल हैवी, वेरिएबल लाइट, यानी लाइट और हेवी चेन मिलके ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको बोलते हैं पैराटॉप, पैराटॉप। और ये जो पैराटॉप है ये एंटीजन के एपिटॉप के साथ कनेक्ट होता है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये एंटीबॉडी पे, और ये किसके बीच में है, तो टू लाइट चेन रॉन्ग हो गया, टू हेवी चेन भी रॉन्ग हो गया, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, और वो भी वेरिएबल टाइप की, ठीक है। ओके, 115 देखें, इन एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, है ना। एक ही स्ट्रक्चर है और एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें अडेप्ट हो रहे हैं अपना अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो द एनिमल द इन द एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेकेंड आंसर हो जाएगा, मतलब अपसारी, अपसारी। और डिफरेंट एंसेस्टर हो और अलग अलग स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करे एक ही एनवायरमेंट में अडेप्ट होते हुए, तब हो जाएगा कन्वर्जेंट अभिसारी। नेक्स्ट देखें, 116, दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों के रेस्पेक्ट में देखना है कि व्हेन वन कार्डियक सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर आर अनएबल टू स्टिमुलेट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला गड़बड़ हो गया, जब एक कार्डियक मसल सेल को स्टिमुलस मिलता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, और वो सबसे पहली सेल को ही मिलता है, आगे की सेल अपने आप स्टिमुलेट हो जाती है क्योंकि उनमें इंटरकलेटेड डिस्क जो है वहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है ना,
तो ये अनएबल की जगह यहाँ पे क्या आता, एबल आता, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर सेकंड देखें कि कम्युनिकेशन जंक्शन जो जिनको बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, ये जैसे दो कार्डियक सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन जंक्शन है इंटरकलेटेड डिस्क के बीच में, गैप जंक्शन। तो कम्युनिकेशन जंक्शन आर प्रेजेंट ओनली एट सम पॉइंट फ्यूजन पॉइंट, दैट्स वाई द सेल डू नॉट कॉन्टेक्ट। नहीं, कुछ साइट पे जो कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होते हैं वो तो उनको अलाउ करते हैं, है ना, और यहाँ पे डू नॉट की वजह से ये जो रोंग हो गया, कम्युनिकेशन जंक्शन जो ये हैं इन्हीं की वजह से अर्ली सेल को जब स्टिमुलस मिलता है तो एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे में आगे बढ़ जाता है, तो ये वाला भी यहाँ पे रोंग हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रोंग है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ईसीजी और कार्डियक साइकिल को रिलेट करके है, और इसमें अपने को ओडवन देखना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि जो पी वेव है, पी वेव ओरिकल का डीपोलराइजेशन है, ओरिकल का डीपोलराइजेशन, तो ये तो सही है। और जब भी ओरिकल का डीपोलराइजेशन होता है तो ओरिकल में सिस्टोल होता है, और जब भी सिस्टोल होता है तो वो ओरिकल से जो ब्लड का फ्लो है वेंट्रिकल में वो 30% और बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन जब भी ओरिकल में सिस्टोल हो रहा होता है 0.1 सेकेंड के लिए, तब एवी वॉल तो होते हैं पहले से खुले, और एसएल वॉल जो है वो पहले से क्लोज्ड होते हैं, तो यहाँ पे ओपन की जगह क्या आता, क्लोज्ड। इसका मतलब है ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ, ये देखो ये सही है कि एवी वॉल जो पहले से ओपन है ये सही है, जॉइंट डायस्टोल के दौरान से ही एवी वॉल ओपन होते हैं और एसएल वॉल जो है वो क्लोज्ड होते हैं, तो एसएल ओपन की वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन वो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है तो ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल जो है वो सही है, और इसमें जो पी के बाद, पी वेव के बाद जो क्यू और फिर जो आर वाला पॉइंट है, ये आर वाला पॉइंट है ना, तो ये जो आर वाला पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल एट वेव आर, तो जो ये वेव आर है ये सबसे मेन पार्ट है वेंट्रिकल का, जो लोअर जो हाईली थिक पार्ट है उसके कॉन्ट्रेक्शन का के दौरान जो डीपोलराइजेशन हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड करके रिप्रेजेंट हुआ है। तो आर वेव जो है वो वेंट्रिकल में मेन कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रहा है, तो जब वेंट्रिकल में फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन होगा तो दोनों एवी वॉल बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैक फ्लो ओरिकल में ना हुआ ना, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन का जो मेन पॉइंट है वो आर वाला है, और उसी पॉइंट पर दोनों जो ए वी है राइट और लेफ्ट वो बंद हो जाते हैं और उस दौरान फर्स्ट साउंड भी क्रिएट होता है, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है। थर्ड देखें, टी वाला, टी जो है वो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन है, सही बात है, और इस टी वेव में, इस टी वेव के अंदर अगर देखें तो एनसीआर लिखा है कि एट द एंड ऑफ टी वेव, टी वेव वैसे वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन है लेकिन जब तक पूरा रिपोलराइज नहीं होगा तब तक उसमें सिस्टोल जारी रहेगा, ये भी रूल है, लेकिन जैसे टी वेव का एंड होगा वो पूरा पोलराइज हो जाएगा और डायस्टोल से किस में आ जाएगा, सिस्टोल में, है ना। तो यहाँ पे देखें कि द मिडल ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल इन वेंट्रिकल, मिडल नहीं एंड आता, यहाँ पर मिडल की वजह से ये वाला गलत हो गया, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। और ये कह दिया कि क्लोजिंग ऑफ एस एल वॉल एट द एंड ऑफ टी वेव, जैसे टी वेव का एंड होता है तो एस एल वॉल क्लोज हो जाते हैं, सही बात है, टी वेव के एंड होते ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं तो ब्लड बड़ी आर्टरी से वापस नीचे आ सकता है, इसलिए एवी वॉल सॉरी एस एल वॉल क्लोज होते हैं और सेकेंड साउंड क्रिएट होता है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो सही है लेकिन सेकेंड पॉइंट रॉन्ग हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ये भी गड़बड़ हो गया। चौथा देखें कि इसी जो है, इसी चीज जो है उसमें जैसे ये पी हो गया, ये क्यू वेव हो गई, फिर ये आर वाला हो गया, फिर ये एस वाला हो गया, और फिर ये टी वाला हो गया, और फिर ये नया पी, तो पी टी का एंड और अगले पी की शुरुआत का ये जो ड्यूरेशन है ये जॉइंट डायस्टोल है, और इस दौरान एवी वॉल ओपन है तभी तो 70% फिलिंग हो जाएगी और एस एल क्या होंगी, क्लोज, है ना। तो बिटवीन द एंड ऑफ टी एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पी, जॉइंट डायस्टोल तो ठीक है, एस एल क्लोज
भी सही है, लेकिन एवी जो है वो इस दौरान ओपन हो जाते हैं, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो अपना इसमें ओड वन पूछा है, इसका मतलब है इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो गलत है और सेकंड जो है वो राइट है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बाकी के ऑप्शन से ओड हो गया। किस बेसिस पे कि वो राइट है, क्योंकि तीन ऑप्शन तो रॉन्ग है ना, तो सेकंड ऑप्शन किस बेसिस पे बाकी से ओड वन हुआ कि वो राइट है बाकी के तीन रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, तो ये अपना जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है, पेडिग्री से रिलेटेड, तो इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा कि कौन सा डिसऑर्डर ये जो पेडिग्री दी गई है ये रिप्रेजेंट नहीं करती है ना। ओके, तो आप लोग देखें कि सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो डोमिनेंट की अगर बात करें तो ये है स्मॉल ए स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका मतलब एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा लेकिन यहाँ पर तो डिसऑर्डर है, यानी हेट्रोजाइगस है, और ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, इसका मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव में ये देखना स्मॉल ए स्मॉल ए होने पर डिजीज होगी, ये देखो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, लेकिन एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा तो एक यहाँ से आया होगा, लेकिन इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कैरियर, तो मदर से इसमें भी कैपिटल ए आया होगा और फादर से स्मॉल ए, तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी बेटर है। फिर एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करें तो एक्स लिंक डोमिनेंट की शर्त है कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है, जैसे ये सन जो है वो अफेक्टेड है, तो ये एक्स डोमिनेंट जीन वाला आया तो मदर से है क्योंकि फादर से तो वाई आया है, लेकिन बेटा सन अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। एक्स लिंक डोमिनेंट की शर्त है कि अगर सन अफेक्टेड है तो मदर भी अफेक्टेड होगी, लेकिन ये यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये एक्स एल डी नहीं है ना। एक्स एल आर की बात करें, एक्स लिंक रिसेसिव, तो ये देखो स्मॉल आर, इस डॉटर में डिजीज है तो फादर से स्मॉल आर, इसका मतलब दूसरा मदर से भी स्मॉल आर आया है, यानी मदर कैरियर है। ये देखो इस सन में डिजीज है तो मदर से ये आया है, फादर से ये डॉटर नॉर्मल है तो मदर से कैपिटल आर आया है और फादर से स्मॉल आर, है ना। तो ये एक्स एल आर भी है, ए एल आर भी है और ए एल डी भी है, लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में याद रखना है कि कम से कम एक पेरेंट जो है उसमें डिजीज होगी, चाहे डोमिनेंट कोई भी हो, ऑटोसोमल हो या एक्स लिंक्ड हो, कम से कम एक पेरेंट में डिजीज होगी। आगे बात करते हैं, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस से रिलेटेड है, आरएच के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, और आप लोग जानते हैं कि जो प्लस वाला है वो प्लस से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, माइनस से भी, लेकिन माइनस वाला प्लस से रिसीव नहीं कर सकता, और अगर कर ले तो उस रिसीवर जो है उसके इम्यून सिस्टम उस आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है ना। तो करेक्ट देखना है कि सेलेक्ट एंड करेक्ट वन फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसके लिए करेक्ट है ना। तो पहला देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस, है ना। तो अगर मदर नेगेटिव है और फिटस जो है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में उस बच्चे की डिलीवरी के दौरान कुछ आरबीसी उस बच्चे से मदर में चली जाएंगी, मतलब आरएच एंटीजन चले जाएंगे और मदर उसके लिए इम्यून हो जाएगी, तो इनके बीच में ऑब्जर्व किया गया, ये तो सही बात है और करेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब बाकी के तीन गलत हैं, तो देखते हैं क्यों। सेकेंड है कि आरएच एंटीजन ऑफ फिटस गेट एक्सपोज टू आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन सेकेंड प्रेगनेंसी, नहीं इस सेकेंड की जगह क्या आएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही आरएच पॉजिटिव ब्लड फिटस का मदर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है डिलीवरी के दौरान, है ना। तो ये जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया। थर्ड देखें कि मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड बिफोर एक्सपोजर, नहीं बिफोर एक्सपोजर कैसे होगा, जब बर्थ हो जाएगा प्लेसेंटा डैमेज होगी और आरएच आरबीसी मदर में जाएगी एक्सपोज होगा तब होगा ना, तो बिफोर एक्सपोजर की वजह से ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखें, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू मदर नेकी फिटस,
जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो बच्चे की बर्थ के बाद कुछ आरबीसी अगर मदर में गई है तो इमीडिएटली मदर के इम्यून सिस्टम को वर्क करने में 10 से 12 दिन लगते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, तो उस बच्चे में तुरंत जो है वो एंटी बच्चे में नहीं मदर में तुरंत जो है वो एंटी आर एच एंटीबॉडी रिच रहोगम जो है उसको इंट्रोड्यूस अगर कर दिया जाए तो जो भी एंटीजन बच्चे से मदर में आए हैं तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और ऐसे में मदर का इम्यून सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर फिटस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो करेक्ट हो गया अपना फर्स्ट। रॉन्गली इमेज देखा है सेक्स डिटर्मिनेशन पे जेनेटिक्स में, है ना। तो इंसेक्ट जो है जैसे ग्रास ऊपर उसमें एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, सही है, एक्स एक्स फीमेल है और एक्स ओ कंडीशन जिसमें सिंगल एक्स है वो मेल वाला है, हेटरोगेमेटिक मेल। एलोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है सही है, ऑटोसोमल सिकल सेल एनीमिया सही बात है, लेकिन सटन जो है वो तो सटन बोवेरी वो तो क्रोमोसोमल थ्योरी है और लिंकेज के लिए मॉर्गन है, तो इनकरेक्टली मेज था और वो कौन सा हो जाएगा, फोर। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है एंटेरहाइनम में, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं कि रेड व्हाइट में क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो एफ वन पिंक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक पिंक में सेल्फिंग होगी तो फिनोटाइप जीनोटाइप 1:1 होगा, 1:1, 1/4 रेड, 1/2 पिंक एंड 1/4 व्हाइट, है ना। और इसका मतलब है कि कैपिटल आर स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, तभी तो इंटरमीडिएट टाइप का मतलब ये मैं कहूँ कि पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, तो डोमिनेंट डोमिनेंस जो है उसका एक्सेप्शन है। हाँ, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ है तो जब वो गैमेट बना तो दोनों क्रोमोसोम अलग हुए तो दोनों एलील भी अलग होते हैं, यानी सेग्रीगेशन तो अप्लाई हो ही रहा है लेकिन डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो अपने को इसके अंदर क्या देखना है, करेक्ट देखना है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट है कि द रेशियो ऑफ एफ टू 1/4 पिंक दिया है, पिंक तो 1/2 है तो गलत हो गया, और रेड 1/4 सही है और व्हाइट 2/4 1/2 दे दिया, नहीं व्हाइट भी क्या है 1/4, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज अप्लाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है, गैमेट बनेंगे तो एलील तो अलग होंगे ही और ये तो सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। थर्ड देखें, दिस एक्सपेरिमेंट डज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, नहीं डज नॉट आता है, डोमिनेंस का तो एक्सेप्शन हो गया ना। और फोर्थ देखें कि व्हाइट कलर जो एफ टू में आया है वो इनकम्प्लीट नहीं, व्हाइट की जगह पिंक आता, पिंक कलर एफ टू में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण है, तो इसके अंदर एक ही करेक्ट है और वो कौन सा है, सेकेंड। चलो 122 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द मिल्क प्रोडक्शन, देखो मेमोरी डक्ट ग्रोथ एस्ट्रोजन, मेमोरी एल्यूलर ग्रोथ प्रोजेस्टोन, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन या मिल्क रिलीजिंग तो फिर वह ऑक्सीटोसिन, समझे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो मिल्क के यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आ जाए यहाँ हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन के लिए है, चाइल्ड बर्थ के लिए, वैसोप्रेशन एडीएच अलग है किडनी में, वाटरी एब्जॉर्प्शन के लिए। कौन से हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन की वजह से लॉन्ग बोन जो है बच्चों में उसका ज्यादा इलोंगेशन हो जाता है, आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर कुछ एरिया होते हैं ग्रोथ वाले, ये देखो ये लॉन्ग बोन है, तो जैसे ये एपिफाइसिस, ये डाइफाइसिस और ये वाला एरिया क्या है, मेटाफाइसिस, तो ये ग्रोथ जोन है मेटाफाइसिस, तो जो ग्रोथ हार्मोन है अगर ज्यादा होगा तो मेटाफाइसिस में भी ग्रोथ ज्यादा होगी और बोन का इलोंगेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा फर्स्ट, और इससे गिगेंटिज्म हो जाएगा, हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉलम को मैच करना है ना, तो मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद ए मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन जब मसल फाइबर के साथ मिलते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, मोटर यूनिट हो जाएगा एक का। ए जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन है और उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, फोर। फिर जब भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है एक्टिन मायोसिन के बीच में तब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस के बाद में ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे सेकंड एटीपी हाइड्रोलाइसिस।
और फिर एरोबिक मसल के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो एरोबिक मसल कौन सी है, रेड फाइबर, और एन एरोबिक कौन सी है, वाइट फाइबर। तो और ये देखो एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग तब होता जब यहाँ पे होता क्रॉस ब्रिज का टूटना, क्योंकि जब भी एटीपी जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर सकते हो। ठीक है, 125, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद कॉर्टिसोल हॉर्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस के दौरान क्रिएट होता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इम्यून रिएक्शन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, WBC प्रोडक्शन को कम करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को कम करता है, RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स सही है, इसीलिए इसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग के बाद में। इनहिबिट RBC प्रोडक्शन, ये गलत हो गया, RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व है ना, तो मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सही है, और सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स ये भी सही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये भी सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहे तो थर्ड आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसलेशनल यूनिट, ट्रांसलेशन की बात करें जिसमें साइटोप्लाज्म में mRNA जो है वो राइबोसोम और tRNA की हेल्प से उसका जब ट्रांसलेशन होता है तो जो कोडोन है ट्रिपलेट वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हुए जब tRNA लाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है और प्रोटीन बनती जाती है, और उसके लिए आप लोग जानते हैं कि स्टार्ट कोडोन होता है और स्टॉप कोडोन होता है, और इसके अलावा उनके बीच में जो RNA की सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर अपने को पूछा नॉट इंक्लूडेड है ना, तो स्टॉप कोडोन भी है स्टार्ट कोडोन भी है और एक RNA की सीक्वेंस भी है ट्रिपलेट की फॉर्म में जो पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रही है, लेकिन प्रमोटर टर्मिनेटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आपको पता है कि जो जीन है उसकी स्टार्टिंग में प्रमोटर है और एंड में टर्मिनेटर है, और जो प्रमोटर है वहाँ पे जो है आप लोग जानते हैं कि जो RNA पॉलीमरेज है वो कनेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे प्रमोटर टर्मिनेटर जो है वो इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशन है यूनिट के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 127, कि द पॉली ए टेल ऑफ mRNA कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एडेनिन यूनिट्स है ना, जो पॉली ए टेल है ना ट्रांसलेशन के दौरान जो भी mRNA बनता है उस mRNA में पॉली ए टेल जो है 3' एंड पे डेवलप की जाती है, और जिसके अंदर 200 से 300 के बीच में एडेनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं mRNA की प्रोटेक्शन के लिए, mRNA का न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट के लिए है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में पूछा कि ये जो पॉली ए है टेल है तो ये किसकी बनी है ना, तो ये पॉली ए एक स्ट्रेच ऑफ RNA ही है जिसमें काफ़ी सारे जो एडेनिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो भी किस फॉर्म में होते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर आगे देखें, विच इज इनकरेक्ट अबाउट DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है ना DNA रेप्लिकेशन के लिए, तो ये एक एफिशिएंट एंजाइम है काफ़ी स्पीड से जो DNA उसको रेप्लिकेट करता है, सही बात है, इट यूज DNA टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, DNA टेम्पलेट जो है उसकी इसको नीड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। एंड थर्ड देखें, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, नहीं ये जो है नए 3' एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है लेकिन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए 10 से 12 जो न्यूक्लियोटाइड लंबा एक RNA प्राइमर की फॉर्म में, RNA प्राइमर जिसको बोलते हैं वो चाहिए, और वो एक प्राइमेज एंजाइम के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, तो जब प्राइमेज अपना वर्क करके प्राइमर वहाँ पे बना देता है और 3' एंड जब मिल जाता है तो वहीं पर DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज DNTPs जो हैं मोनोमर्स की फॉर्म में वहाँ पर ऐड होते जाते हैं और वो उसको आगे बढ़ाता जाता है ना, तो खुद उस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, सही बात है। फिर फोर देखें, DNMP आर द सबस्ट्रेट ऑफ DNA पॉलीमरेज, नहीं 3' एंड पे जो DNA पॉलीमरेज है वहाँ पे जो सबस्ट्रेट के रूप में आएंगे वो DNTPs
TPZ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे DNTP, DNATP, ये अलग अलग तरीके से जो चारों हैं वो वहाँ पे आएंगे। DNMP की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे होना था, तो रॉन्ग पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 4। ओके, DNA रेप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन अकर है ना, तो आप लोग देखें कि जो DNA रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें जैसे दो स्टैंड है, एक को लैगिंग बोलते हैं और एक को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, लेकिन कौन सा लैगिंग कौन सा लीडिंग और किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है ना, तो आप लोग देखें जैसे ये 5' to 3' एंड और ये वाला 5' to 3' एंड है ना, तो DNA ये जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन फोर्क, और रेप्लिकेशन फोर्क इस डायरेक्शन में आगे मूव करता जाता है, जैसे जैसे DNA रेप्लिकेट होता है हेलिकेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होती है और दोनों स्टैंड जो है वो रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ओपन होता है तो आप लोग देखें कि ये 5' to 3' है, इसका मतलब है कि ये छोटे छोटे स्ट्रेच 5' से 3' पे एंड की तरफ जो है वो नए बनते जाते हैं जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ता है, यानी ये जो है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन ये देखना कि ये 3' है तो यहाँ पे प्राइमेज उसके बाद 5' to 3' एंड और फिर ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो आगे सिंथेसाइज होता जा रहा है, तो जो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हुआ है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और किस डायरेक्शन में 5' to 3' और 4 की डायरेक्शन में या उससे दूर, उससे दूर है ना, तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क इन 3' to 5', ये गड़बड़ हो गया, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन, ये परफेक्ट है, टुवर्ड्स भी गलत हो गया और ये 3' to 5' की वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 2nd। ओके, बोमेन कैप्सूल की बात की जा रही है जिसमें माइन्यूट फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं और उसके एपिथेलिया जो है उसके रेस्पेक्ट में पूछा है, जब बोमेन कैप्सूल में जो एपिथेलियम है ये देखो, तो ये जो एपिथेलियम है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इनर विसरल लेयर है जहाँ पर स्क्वैमस सेल्स होती हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक पॉडोसाइट्स होती हैं जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो उनका फॉर्मेशन करती हैं, तो ये स्पेशल टाइप की जो सेल है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ही क्या है, मॉडिफिकेशन, कि ये वेरी माइन्यूट फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर प्रेजेंट है ना, तो ये जैसे ग्लोमेरुलाई है तो पोडोसाइट इनको ऐसे कैप्चर करते हैं जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो उनके बीच में बनती है और उन्हीं से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है। देखें हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है, कोलमनर एपिथेलियम की अगर बात करें तो कोलमनर एपिथेलियम जो है वो यहां पे हो जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, वहां पर सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, तो 1 का 3। फिर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डल एपिथेलियम मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए PCT वाले पार्ट में होती है, तो 2 का 4। फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसमें स्टेट बदलती है प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वो यूरोथेलियम है जो रिनल पेल्विस यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्र का इनिशियल पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर ब्लैडर दिया है तो इसका हो जाएगा 1st। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा सेलिवरी ग्लैंड, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं, जैसे 1 का 3, 2 का 4, 1 और 2 का 2, तो आंसर हो जाएगा 3rd। कॉकरोच के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अपने को देखना है और यहाँ पे फीमेल कॉकरोच जो है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दिया है, ओके ठीक है, तो टेस्टिस वाले ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे फीमेल वाला है ना, तो और शूडोपेनिस भी मेल से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो जैसे 2nd वाला उसको मैच करते हैं ए के लिए, तो ए स्पर्मेथिका है
जो मेल के स्पर्मेटोफोर से रिसीव किए गए स्पर्म को स्टोर करते हैं, ये ठीक है। फिर बी के लिए ओविडक्ट, बी के लिए सही है, लेफ्ट राइट ओविडक्ट है। फिर सी, दोनों कॉमन, दोनों ओविडक्ट लेफ्ट राइट मिलके वेजाइना बनाते हैं, ये भी ठीक है। और जो डी है वो कोलाइट्रियल ग्लैंड है, ये भी ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक के ऊपर उथिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे उथिका का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 133। ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, लोकस्टा जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो लोकस्टा जो है वो एक इंसेक्ट है और ओविपेरस भी है, स्यूडोसिलोमेट नहीं है, एंटीना भी होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है ना। तो ए का वन भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। यहाँ पे देखना, ए का वन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन थ्री रह गया, तो ए का तो हो गया कौन सा, थ्री। अब इसको आगे और रिलेट करना है ना इंसेक्ट से रिलेटेड, और जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें थ्री पेयर लेग्स होते हैं, तो ए थ्री फर्स्ट, ए थ्री फर्स्ट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर देखना फाइलेरियल वॉर्म, ये एस्केलमेंथीज है और ये स्यूडोसिलोमेट है, और इनको और क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। तो बी का टू, बी का टू, बी का टू, और फिर थ्री, ये थ्री इधर भी है, इधर भी है, यानी ये दो तो ग्रेड बाहर हो गए। फिर इकाइनस, इकाइनोडर्मेट है ना, और इनमें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और इनमें अडल्ट में सिमेट्री कैसी है, रेडियल लार्वा बाइलेटरल है। तो सी का फोर, सी का फोर और टू, ये गड़बड़ हो गया फोर के कारण। और फिर लास्ट में फेसियोला हिपेटिका प्लेटीएलमेंथीज है, और ओवी पेरस हो गया, और इधर किससे रिलेट करें, फेशियोला हेपेटिका के लिए ए सकर्स, क्योंकि पैरासाइट है ना। तो डी वन एंड फोर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगेन एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग देखें कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें दो डिवीजन है, अगनेथा, जिस जो जोलेस है गनेथा, तो यहाँ पे गनेथोस्टोमा आएगा ए वाले में, तो ए वाले में ये देखना नेथोस्टोमा। फिर साइक्लोस्टोमेट, सी के लिए साइक्लोस्टोमेट दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, और फिर ये वाला बी जो नेथ है उसमें दो सुपर क्लास है, पीसीज एंड टेट्रापोड, तो बी में पीसीज, बी में पीसीज भी दिया है, सी में साइक्लोस्टोमेट्स आ गया। फिर मछलियों में दो टाइप के, कॉन्डक्थीज ऑस्ट्रिक्थीज, तो डी में ऑस्ट्रिक्थीज भी दिया है, और यहाँ पे ये देखो टेट्रापॉड में एम्फीबियन रेप्टाइल, तो ई का हो जाएगा रेप्टाइल, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, थर्ड आंसर अपना यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के रेस्पेक्ट में दिए हुए, और अपने को यहाँ पे करेक्ट देखना है। फर्स्ट में ए जो है वो सिटिकुला है, तोता है, सही है, एवीज, ये वाला परफेक्ट है। सेकेंड किलोनिया, और ये एक रेप्टाइल है, मैक्रोपस लिखा है, गलत हो गया, ये ठीक है, ये गलत हो गया। थर्ड देखें किलोन, नहीं ये भी गड़बड़ हो गया, ये तो मैक्रोपस है कंगारू, ये उल्टा होता है ऐसे, ये इधर आता है, ये इधर आता है। और डी ऑर्निथोराइनेचस है जो मैमल्स है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर, और फर्स्ट एंड फोर यहाँ पे कहाँ है, फर्स्ट एंड फोर, ये वाला आंसर हो जाएगा अपना। ओके, आगे बात करते हैं कि व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, एक न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में होता है तो उसके अंदर माइनस चार्ज और बाहर प्लस चार्ज होता है, -70 मिलीवोल्ट, उस दौरान पंप ऑन रहते हैं, वोल्टेज गेटेड के प्लस एन ए प्लस एन एल दोनों ही बंद रहते हैं, लीकी चैनल सोडियम पोटेशियम दोनों ही ऑन रहते हैं, है ना। लेकिन उस दौरान कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम जो आयन है उसके लिए न्यूरोन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पहला है कि व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू के प्लस एंड नियरली इम्परमिएबल टू एन ए प्लस, और ये भी लीक चैनल के अकॉर्डिंग होगा, है ना, एनसीईआरटी की लाइन है। तो फर्स्ट अपना परफेक्ट हो जाएगा, बाकी सेकेंड थर्ड फोर गलत क्यों है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम, ये गलत हो गया, इक्वली परमिएबल भी नहीं होते हैं और इम्परमिएबल भी नहीं है, क्योंकि लीक चैनल वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आंसर होगा फर्स्ट। ओके, यहाँ पे
ए फिगर जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और बी फिगर में वो ए मतलब ए साइड से बी साइड के ऊपर आगे प्रोपिगेट हो रहा है, मतलब उसका कंडक्शन हो रहा है। तो अपने को इसके अंदर करेक्टली पूछा है ना, करेक्टली। तो देखें कि बी बी कि बी इज द डिपिक्शन ऑफ इंपल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सोन, है ना। जो इंपल्स कंडक्शन है बी के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया गया है, नॉन साल्टेटरी कंडक्शन है, सही है। सेकंड देखें, और इसमें पूछा क्या है अपने को, करेक्टली, है ना। फिर सेकंड में ए डायग्राम के रेस्पेक्ट में इसमें रिप्रेजेंट द स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोन, ये देखो स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोन है जिससे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए और सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, ये भी सही है। फिर देखें इन द गिवन कंडीशन न्यूरोन मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू सोडियम, यहाँ पे न्यूरोन की मेम्ब्रेन सोडियम के लिए ज़्यादा परमिएबल है क्योंकि वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल जो है वो ओपन है और के प्लस चैनल क्लोज है, तो ये बात यहाँ के लिए सही दी हुई है ना। तो सारे ही इस फिगर से रिलेटेड स्टेटमेंट सही है। ब्रेन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ पार्ट है जिनको लेबल किया गया है ए बी सी डी से, है ना, और अपने को करेक्टली आइडेंटिफाई उसमें करना है, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि सी डिवाइड इंटू ए, मतलब सी जो है वो सेरेब्रम है जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है और दोनों बी से कनेक्ट है, तो बी के कॉर्पस कैलोसम जो दोनों को जोड़ती है। फिर ए बी सी डी जो है वो फोर ब्रेन के पार्ट दिए हैं, सी और डी इन्वॉल्व इन लिबिडो सेक्सुअल डिजायर के रेस्पेक्ट में, है ना। तो लास्ट में अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है, देखते हैं। तो लिखा है कि ए मेडुला, नहीं ए तो सेरेब्रम वाला पार्ट है, गलत हो गया, ये तो पूरा ही, इसको अपने को लेना ही नहीं है। ए मेडुला नहीं है, ए वाला जो सेरेब्रम है। फिर सेकंड ऑप्शन में देखिए ए में क्या दिया, कॉर्पस कैलोसम, नहीं ये भी गड़बड़ हो गया, कॉर्पस कैलोसम तो बी है। फिर थर्ड में देखें ए के लिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर सही है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सही मार्क किया है। बी कॉर्पस कैलोसम ये वाला एरिया सही मार्क किया है। और फिर सी के रेस्पेक्ट में देखना है सेरिब्रम, सी के लिए सेरिब्रम, सी वाला भी सही मार्क किया है सेरिब्रम। फिर डी मेडुला, डी कहें भाई, डी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सॉरी कहाँ गया, सी सेरिब्रम कर दिया, सही है। फिर डी के रेस्पेक्ट में हाइपोथैलेमस, ठीक बात है। और फिर ई के रेस्पेक्ट में दिया है मेडुला, ये भी सही है, करेक्टली है, है ना। तो कैलोसम सेरिब्रम मेडुला, इसमें आप लोग देखें कि इसमें डी को मेडुला मार्क कर दिया, डी को, जो कि गड़बड़ हो गया, इसलिए आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन देखना है, पहला ट्यूबुलर सिक्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है जो पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, जो आयनिक बैलेंस पीएच रेगुलेशन के लिए जरूरी है, ये सही है। फिर बी है ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प इन मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, ये भी एनसीईआरटी के लाइन है, सही है। फिर सी जे जी अपरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव एरिया है जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है जो बनता है सेलुलर मॉडिफिकेशन डीसीटी के और एफरेंट आर्टेरियोल के जंक्शन पे। एफरेंट आर्टेरियोल में तो स्मूथ मसल मॉडिफाई होकर जे जी सेल बनाती है जो कि रेनिन प्रोड्यूस कर रही है, और डीसीटी के अंदर एक सेल होती है मैक्यूला डेंसा, तो ये दोनों ही एक टाइप के रिसेप्टर हैं। डीसीटी में जो मैक्यूला डेंसा है वो कीमो रिसेप्टर है जो फिल्ट्रेट में लो सोडियम को सेंस करके एक्टिवेट होके जेजी सेल को प्रमोट करते हैं, और जेजी सेल जो है वो बैरो रिसेप्टर बीपी सेंसर है जो एफरेंट आर्टेरियोल में लो बीपी को सेंस करके एक्टिवेट होती है और रेनिन बनाती है, तो ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और जब बीजीएफआर कम होती है तब स्विच ऑन होता है ना। तो इसमें तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ना, तो ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर टू। आगे बढ़ते हैं, रीअब्जॉर्प्शन दिया है यहां पे इस फिगर में ए बी सी डी में, तो ए तो एनएसीएल के लिए है, सी का सिक्रेशन हो रहा है तो सिक्रेशन तो एच प्लस का भी होता है के प्लस का भी होता है, डी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और ये यूरिया रिसाइकिलिंग है, चलो मैच करते हैं रेस्पेक्टिवली देखना है अपने ए के लिए,
तो ए बाइकार्ब तो नहीं हो सकता, एनएसीएल हो जाएगा, टू एंड थ्री में बैठ रहा है, ए एनएसीएल, फिर बी यूरिया हो जाएगा, यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे सिक्रेशन, फिर सी सिक्रेशन हो रहा है, के प्लस हो जाएगा, और ये बाइकार्ब, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। ठीक है, ओरल कैविटी के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट देखना कि सेलिवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को 30% करता है डाइजेस्ट, 70% नहीं, तो 70% की वजह से ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया। फिर लाइसोजाइम जो सेलाइवा के अंदर है वो सिंपल लिपिड पे एक्ट नहीं करते, वो तो एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारते हैं। लिंगुअल लाइपेज और टाइलिन जो वो दो एंजाइम होते हैं जो सेलाइवा में है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज और टंग से रिलेटेड टंग जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करती है, ये सही बात है। ऑप्टिमम पीएच जो सेलिवरी एंजाइम के लिए वो 6.8 है ना, तो 7.8 के कारण ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, कॉलम मैचिंग वाला है, तो डायरिया जो है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो कम होगा, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी। इनडाइजेशन जो है उसके अंदर इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा, तो सेकेंड का सी। और फिर कॉन्स्टिपेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रिटेन रहेंगे, तो थर्ड का डी। और फिर जॉन्डिस जो है उसमें वाइल पिगमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, जब भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा अनलोड करता है, इसको बोहर इफेक्ट बोलते हैं। ये टिश्यू के पास होता है और टिश्यू के पास पीएच कम होता है क्योंकि एच प्लस ज्यादा होता है, PCO2 ज़्यादा होता है, PO2 कम होता है, और ये सारे फैक्टर जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को की अनलोडिंग को प्रमोट करते हैं ना। तो पूछ रहे कौन सा राइट शिफ्ट करेगा, रिड्यूस पीएच मतलब एसिडिक पीएच है ना, कम पीएच ये तो प्रमोट करेगा, रिड्यूस टेम्परेचर गलत है, रिड्यूस CO2 गलत है, रिड्यूस एसिडिटी भी गलत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रिड्यूस्ड पीएच मतलब एसिडिक पीएच। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग सामने मिसमैच है, इनको करेक्टली मैच करके इनमें चारों में किसी एक ऑप्शन में दिया है ना, तो चलो चेक करते हैं। बोलो ए रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है ना, 1100 से 1200 ml, तो यहाँ पे तो ए को 4500 कर दिया, गलत हो गया। फिर बी क्या, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी 2500 से ज़्यादा होती है, बी गड़बड़ हो गया क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में 2500 से 3000 तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही आ गया, फिर 500 टाइडल वॉल्यूम आ गया, फिर 1000 से 1100 उसमें IRV आ गया, तो ये तो कम हो गया ना। फिर सी क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये तो बहुत ज़्यादा होता है, 1200 तो कम दिया है। फिर क्या दिया डी के लिए, 3500 क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हाँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 प्लस टाइडल वॉल्यूम 500 है ना, तो ये अपना डी वाला तो बैठ गया, और मतलब फोर्थ में डी तो सही है। ए और चेक करते हैं, ए क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, तो आंसर हो जाएगा फोर। ओके, तो इसके बाद बोटने वाले क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे है ना, ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहें, जो डाउट्स आए हैं उनको क्लियर करते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल मिश्रा, टीम बॉटनी, CLC सीकर। आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं दंगल का तीसरे पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं यहाँ बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। देखिए, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि एक वर्गीकीय सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग पादपों एवं जंतुओं की पहचान के लिए किया जाता है तथा यह समानताओं एवं असमानताओं पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है। इसके प्रत्येक वक्तव्य को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो अगर मैं कहूं एक की जो होती है उस की में दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, इन दोनों ही स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज नोन एज लीड, या इसी को हिंदी में हम बोलते हैं मार्गदर्शक। तो ध्यान रखना यहां, इट्स ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको, लीड। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट,
वर्गीकरण के आधारभूत तत्व हैं, यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी आर। तो अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना हम किस किस का यूज करते हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन भी आता है, इसके अलावा इसमें नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड होता है। ये चारों ही स्टेप फंडामेंटल स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147। चित्र में दिए गए तंतुमय नील हरित शैवाल या नॉस्टॉक में ए और बी को पहचानिए, यानी कि आपको नॉस्टॉक का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें ए और बी मार्किंग है, आपको ये पहचानने हैं कि ए और बी क्या है। तो अगर मैं ए की बात करूं, यहाँ क्लियर शो हो रहा है कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पेशलाइज्ड सेल को, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ गलत हो गया। अब देखिए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नॉस्टॉक के फिलामेंट के बाहर की तरफ जो यहां पर एक शीथ प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ, श्लेष्मी आवरण। तो यहां कोशिका भित्ति दे रखी है, ये गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो ध्यान रखना इसमें ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रोसिस्ट को, जबकि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूसिलेजिनस शीथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित चार कथनों ए टू डी पर विचार कीजिए तथा सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए। देखिए इधर, यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल करेक्ट वंस। पहला देखिए, डायनोफ्लेजिलेट्स बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियां रखते हैं, बिल्कुल राइट है। यहां एनसीईआरटी में अगर हम देखें, क्लियर लिख रखा है कि डायनोफ्लेजिलेट के आउटर साइड स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, यूग्लिनॉइड दो कशाविकाएं रखता है जिसमें एक लंबवत व दूसरे अनुप्रस्थ होती है, गलत है, क्योंकि ये कैरेक्टर है डायनोफ्लेजिलेट का, लेकिन यहां यूग्लिनॉइड लिख दिया, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत, क्योंकि यूग्लिनॉइड में कभी भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, अवपंक कवक के बीजाणुओं का बिखराव वायु धाराओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही। स्लाइम मोल्ड के जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू। डायटम्स में कोशिका भित्ति दो पतले अति व्यापित कवच बनाती है, ये भी राइट है, क्योंकि डायटम्स में जो सेल होता है या कवच होता है वो किससे बनता है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल से बनता है, जो सोप बॉक्स लाइक मैनर में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें करेक्ट वन कौन कौन से है, ए एंड डी, ए सी डी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फोर्थ, ए सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 149। देखिए, मॉस पादपों के लिए गलत कथन कौन सा है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है हमें मॉस के लिए। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, बिल्कुल सही, गैमिटो, ये मॉस ब्रायोफाइट में, और ब्रायोफाइट की मेन डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, गैमिटोफाइट, बिल्कुल सही है यहां तक। तो आगे देखिए, जिसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, प्रोटोनीमा एंड पत्ती युक्त अवस्था, बिल्कुल राइट है, यानी कि जो मॉस होता है उस मॉस में यहां पर दो स्टेज होती है, गैमिटोफाइट में भी प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, टू स्टेज, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, सही है। नेक्स्ट देखिए, पत्ती युक्त मॉस पौधे मृदा से एक कोशिकीय अशाखित राइजोइड्स द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जो लीफी स्टेज होती है वो अटैच होती है सॉइल से थ्रू यूनिसेल्युलर अनब्रांच राइजोइड्स, गलत हो गया, क्योंकि मॉस में मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, एंथेरोजोइड्स की आर्किगोनिया की ओर गति रसायनु चलन के रूप में होती है, बिल्कुल राइट है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्किगोनियम, तो यहां पर क्या होता है, जो मेल गैमिट है वो जब यहां पर आता है तो ये आर्किगोनियम से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो इसी केमिकल को परसेप्ट करते हुए एंथेरोजोइट्स आता है, तो रसायन के साथ साथ आ रहा है, तो इसको गति को हम क्या बोलेंगे, रसायनुचलन या कीमोटेक्टिक मूवमेंट, बिल्कुल सही है। मॉस पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सही है, क्योंकि ये प्लांट्स है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150। देखिए इधर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए
यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस पर आपको इनको पढ़ना है और ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करने है। पहला देखिए, इसमें टेरिडोफाइट के फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। बिल्कुल सही है, टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो कंपेनियन सेल्स नहीं होती उनके फ्लोयम में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो ध्यान रखना, टेरिडोफाइट्स के फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती। अगला देखिए, अधिकांश टेरिडोफाइट के जाइलम में वाहिका का अभाव होता है। बिल्कुल सही, यहाँ हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती, तो आप कह सकते हैं जाइलम लैक वेसल्स इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, विषम बीजाणुकता युक्त टेरिडोफाइट के युग्मकोदभिद द्विलिंगी होते हैं। गलत है, यहाँ पर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो गैमिटोफाइट होता है वो मोनोसियस होता है, गलत, वो डायोसियस होता है। यानी कि इसमें अगर मैं विषम बीजाणु पादपों की बात करूं या हेट्रोस्पोरस प्लांट्स की, तो इसमें मेल गैमिटोफाइट पर ओनली मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जबकि फीमेल गैमिटोफाइट पर ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए ये कैसा हो गया, डायोसियस ना कि मोनोसियस। टेरिडोफाइट में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। बिल्कुल सही, वाटर इज एसेंशियल इन टेरिडोफाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको पता है टेरिडोफाइट में मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पूछा क्या है सही स्टेटमेंट, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगानी है। अगर मैं सिनेप्सिस की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जाइगोटीन में होगा, ठीक है। तो यहाँ क्रम लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, पहला होगा सिनेप्सिस, दूसरा क्या होगा इसमें, सिनेप्सिस के बाद होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा इसमें, क्याजमेटा का उपांति एवं केंद्रिका का ये तीसरे नंबर पर ये होगा कियाजमेटा का उपांति भवन और केंद्रिका की अदृश्यता कैसी हो जाएगी, लास्ट में हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, बी ए सी डी, बी ए सी डी आंसर आ जाएगा चार। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के बाद दूसरे पर क्रॉसिंग ओवर, तीसरे में डाइकाइनेसिस के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, और उसी डाइकाइनेसिस के लास्ट में जब प्रोफेज फर्स्ट खत्म होगी तो क्या आ जाएगा न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, इधर एस फेज के दौरान यानी कि एस फेज में क्या होगा, तो देखिए डीएनए केंद्रक में द्विगुणित होता है। बिल्कुल राइट है, अगर मैं एस फेज की बात करूं तो एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एंड तारक काय कोशिका द्रव में द्विगुणित होते हैं। बिल्कुल सही है, एनिमल सेल की हम बात करें तो एस फेज में ही क्या होगा, जो सेंट्रोसोम होते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है। तो आप कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में एस फेज में ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। दूसरा देख लीजिए, इसमें डीएनए एंड तारक काय दोनों केंद्रक में द्विगुणित होते हैं, गलत, ये दोनों केंद्रक में नहीं होते क्योंकि तारक काय साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए कोशिका द्रव में द्विगुणित, गलत हो गया क्योंकि डीएनए का द्विगुणन न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए एंड तारक काय दोनों कोशिका द्रव में द्विगुणित होते हैं, गलत। तो ध्यान रखना डीएनए एंड सेंट्रोसोम दोनों न्यूक्लियस में नहीं होंगे क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है बट सेंट्रोसोम नहीं होगा। डीएनए डुप्लीकेट्स एंड साइटोप्लाज्म, गलत हो गया, डीएनए एंड सेंट्रोसोम बोथ डुप्लीकेट एंड साइटोप्लाज्म, गलत है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य स्थान को ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या बाह्य ल्यूमिनल भागों में बांट देता है। तो ध्यान रखना, विच सेल ऑर्गेनेल डिवाइड साइटोप्लाज्मिक स्पेस इंटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, ईआर, और यहाँ क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अंदर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को ये ईआर की मेम्ब्रेन या ईआर ने किसमें डिवाइड कर दिया, एक तो इंट्राल्यूमिनल या आप कह सकते हैं ल्यूमिनल पार्ट, और दूसरा इस ल्यूमेन से बाहर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ईआर,
अंतःप्रद्यवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल दे रखे हैं और पूछा गया है अंतः झिल्लिका तंत्र में सम्मिलित होते हैं, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड है। तो आपको पता है चार ही सेल ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल एंड लाइसोसोम, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखना ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ACDE, ACDE आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए इधर ER प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन संश्लेषण में सहायता करता है, बिल्कुल सही। यहां पर अगर मैं बात करूं ये तीनों ही काम कर सकता है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु उपकरण बनाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिकाओं में जो सेंट्रोसोम होते हैं वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं और इन्हीं से बनते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है, सहायक होता है, गलत हो गया। ध्यान रखना क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट 156 देखिए, इसमें आपको कुछ बीजांड न्यास दे रखे हैं, प्लेसेंटेशन और ये आपको मैच कराने हैं। तो अगर मैं सीमांत बीजांड न्यास की बात करूं, ये किस में प्रेजेंट होता है, सीमांत बीजांड न्यास होता है मटर के अंदर, यानी कि ए का आ गया 4, तो फोर्थ ऑप्शन गलत। अक्षीय बीजांड न्यास होता है नींबू के अंदर, तो बी का आ गया थर्ड ऑप्शन गलत। वित्तीय बीजांड न्यास होता है सरसों में, आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो सी का आ गया सेकंड। तो आंसर क्या जाएगा हमारा फर्स्ट। और आधारीय बीजांड न्यास होता है किसमें, सूरजमुखी में, ठीक है। तो ध्यान रखना मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में, एक्साइल प्लेसेंटेशन लेमन में, पेराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड में, और सनफ्लावर में आता है बेसल प्लेसेंटेशन, आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, गुलाब और आड़ू में पुष्प में अन्य पुष्पीय चक्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि रोज एंड पीच में जो अदर फ्लोरल वोल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर, अगर मैं रोज एंड प्लम की बात करूं, रोज प्लम एंड पीच, इन सभी में प्रेजेंट होता है कौन से फ्लोवर, पेरीगाइनस फ्लोवर, कौन से होते हैं, पेरीगाइनस फ्लोवर, जिसमें क्या होता है जो थैलेमस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड करके जो ओवरी होती है या आप कह सकते हैं गाइनोसियम होते हैं, उसके चारों ओर एक रिम का फॉर्मेशन करता है, और इसी रिम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, अदर फ्लोरल बोल्स लाइक कैलेक्स कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, वो भी ओवरी के अबाउट सेम लेवल पर। तो देखिए, अंडाशय के नीचे तथा पुष्पासन के केंद्र में, गलत, अंडाशय के नीचे नहीं होते, बराबर पोजिशन पर होते हैं। तो ध्यान रखना बिलो द ओवरी एंड सेंटर ऑफ थैलेमस, गलत है, बिलो नहीं होता, अंडाशय के समान तल पर तथा पुष्पासन के किनारों पर, यह सही है। मैंने अभी बोला थैलेमस के चारों तरफ जो रिम बन जाती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, अंडाशय के समान लेवल पर, आंसर क्या आ जाएगा सेकंड, सेम लेवल ऑफ ओवरी एंड मार्जिन्स ऑफ थैलेमस। नेक्स्ट देखिए, अंतर कोशिकीय अवकाश युक्त मृदु तकीय संरचनाएं हैं, पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर विथ इंटरसेल्यूलर स्पेस आर। अब यहाँ देखिए, आपको कुछ लेयर दे रखी हैं, यहाँ वलकुट पित, तो यहाँ देखिए वलकुट की अगर मैं बात करूँ तो वलकुट की जो सेल्स होती हैं वो थोड़े से लूजली अरेंज होती हैं, और इनके बीच में क्लियर इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, बिल्कुल सही है, और पित में भी इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा फर्स्ट। यहाँ एपिडर्मिस में कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, ये अंतस्थ त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस में भी कहीं भी जो इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में, हाइपोडर्मिस में भी नहीं होता, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक चित्र दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इसमें ए और बी मार्किंग कर रखी है, हमें इसको सही पहचानना है। तो अगर हम इस फिगर के हिसाब से देखें तो ये ए रिप्रेजेंट करता है पर्ण आद्यक को, जबकि बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस लीफ के एग्जाइल में प्रेजेंट कक्षस्थ कलिका को। तो देखिए ये आंसर क्या आ जाएगा थर्ड।
ध्यान रखना, ए रिप्रेजेंट कर रहा है लीफ प्राइमोर्डियम और बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिलरी बड, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, बिंदु स्राव प्रक्रम संपन्न होता है, यानी कि जो गटेशन है वो प्रोसेस कहाँ होती है, देख कब होती है, देखिए जब मूल दाब अधिक होता है। यहां ध्यान रखना, अगर मैं गटेशन की बात करूं तो गटेशन की जो प्रोसेस होती है वो जब होती है, जब रूट प्रेशर कैसा हो, मूल दाब, रूट प्रेशर ज्यादा हो, ट्रांसपिरेशन की रेट कैसा हो, कम हो। एंड मॉइस्चर कंडीशन, या आप कह सकते हैं इसी को ह्यूमिडिटी जो एनवायरमेंट में है वो कैसी हो, ज्यादा हो, तब आपको क्या मिलेगा, गटेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए जब मूल दाब अधिक हो, यहां देखिए बिल्कुल मूल दाब अधिक होना चाहिए, एंड वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो, बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। फिर भी देख लीजिए, जब मूल दाब कम हो, मैंने देखो क्लियर लिख रखा है मूल दाब ज्यादा होना चाहिए, रूट प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, कम बता रहा है। मूल दाब वाष्पोत्सर्जन की दर के समान हो, गलत है, मूल दाब ज्यादा होना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन कम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, व्हेन रूट प्रेशर इज लो, गलत हो गया ये, व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गलत है, जब मूल दाब वाष्पोत्सर्जन की दर की तरह उच्च होता है, मतलब मूल दाब भी ज्यादा है और वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा है, तो ये इस टाइम भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होते हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल किस टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना रूट प्रेशर या मूल दाब की बात करें तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को पुश करते हुए क्या करेंगे, धक्का देकर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये होता है धनात्मक। दूसरा पॉइंट, अगर मैं वाष्पोत्सर्जन की बात करूं तो इसे खिंचाव बल लगता है, यानी कि इसमें खींचे जाते हैं मॉलिक्यूल, तो इसीलिए यहां पर ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट देखिए, वलयकरण प्रयोग सिद्ध करता है कि, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, तो ध्यान रखना गिडलिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, उस गिडलिंग एक्सपेरिमेंट में हमने एक ऐसा प्लांट लिया था जिसमें बार्क प्रेजेंट थी, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी थी, तो उसमें अप टू द डेप्थ ऑफ वस्कुलर कैम्बियम हमने क्या किया था, एक कट किया था, एक रिंग बना दी थी, ये जो रिंग बना दी थी इससे फ्लोएम टिश्यू लॉस्ट हो गया था, लेकिन यहां पर जाइलम एज इट इज प्रेजेंट था, फ्लोएम टिश्यू ब्रेक हो गया, तो इस वजह से लीफ से फूड का ट्रांसलेशन या ट्रांसलोकेशन नीचे की तरफ नहीं हो पाया, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि फ्लोएम के थ्रू ही फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। तो देखिए, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप, गलत, एसेंट ऑफ सैप होता है जाइलम के थ्रू, तो ध्यान रखना रसारोहण जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है, जबकि यहां क्या लिखा, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप इन जाइलम, मतलब जाइलम के अंदर एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्लोएम, गलत हो गया ये। अगला देखिए, भोजन के स्थानांतरण के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है, बिल्कुल ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ फूड, बिल्कुल राइट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। यहां देखिए, भोजन के स्थानांतरण के लिए जल की बात कर ली, जबकि जाइलम कभी भी फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं करता, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहली बात ये गिडलिंग एक्सपेरिमेंट इसके लिए नहीं था, तो ये वैसे ही गलत है, आंसर आ गया हमारा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक चित्र दे रखा है और इसमें ए बी सी डी के बारे में आपसे पूछा है, तो देखिए यहां ए बी सी डी आपको यहां चित्र दे रखा है और इसमें लेवल्ड पूछा है, तो देखिए यहां अगर मैं बात करूं, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्लीम्यूल को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीम्यूल को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉटिलिडंस को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉटिलिडंस, ये जो यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में, यहां पर नीचे की तरफ कॉटिलिडन अटैचमेंट साइड से लोअर वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हाइपो कोटाइल को, जबकि ये लास्ट वाला जो पार्ट है हाइपोकोटाइल का जो टिप पार्ट है वो किसमें टर्मिनेट होता है, रेडिकल में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडिकल, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लीम्यूल बी कोटिलिडन, ए प्लीम्यूल बी
कॉटिलेडन, सी हाइपोकोटाइल, डी रेडिकल, आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में गलत कथन, यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला देखिए, उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है। अगर मैं बायोडायवर्सिटी की बात करूं तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ में ये हेमी यहाँ सॉरी इक्वेटर लाइन है, ये पोल्स है। तो आप जैसे ही पोल्स से इक्वेटर की तरफ आओगे, यानी कि हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ, तो यहाँ बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल राइट है। जैव विविधता में कमी निके स्पेशलाइजेशन को बढ़ाता है, गलत। यहां पर ध्यान रखना, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है तो यहां निके स्पेशलाइजेशन इंक्रीज नहीं होता या प्रमोट नहीं होता, बल्कि वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये गलत हो गया। आवास विनाश या ह्रास जैव विविधता ह्रास के लिए प्राथमिक कारण होता है, बिल्कुल सही। अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस की बात करें तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट आ गया। अगला देखिए, इसमें वूपिंग क्रेन और नीली वेल निश्चित आवास तथा निश्चित प्रवासी मार्गों के कारण विलोपन के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। चूंकि ये वूपिंग क्रेन और ये जो वूपिंग क्रेन एंड ब्लू वेल होती हैं, चूंकि ये क्या करते हैं, ये माइग्रेटरी रूट एंड फिक्स हैबिटेट होता है, यानी कि ये माइग्रेशन करती रहती हैं और इनका हैबिटेट एक फिक्स होता है। तो अगर हैबिटेट लॉस होता है तो चूंकि इनका माइग्रेशन इनहिबिट होता है, तो इस केस में इन पर एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं, हाईली ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पूछा क्या है, गलत कथन, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से गलत को चुनिए। यहां हमें किसको सिलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को। पहला देखिए, वाष्प का अंजीर के फल में अंडे देना एक सहजीवी क्रिया है, बिल्कुल सही। वाष्प लेइंग एग इन अ फिग ट्री, तो फिग ट्री और ये जो वाष्प है इसके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही। कवक मूल एक बाह्य परजीवी होता है, गलत। यहां ध्यान रखना, माइकोराइजा कोई एक्टोपैरासाइट नहीं है, ये देखो परजीवी बोल रखा है, गलत है। कार्यकीय पारिस्थितिकी जैव स्तर की पारिस्थितिकी होती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इज इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही हम क्या डिस्कस करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मानी जाती है ऑर्गेनिज्म लेवल पर। स्पर्धी अपवर्जन नियम कॉनेल ने दिया, गलत है। गॉस ने दिया था। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय कॉनेल, गलत है। तो इसमें हमें क्या देखना है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत को सिलेक्ट करना है, तो बी एंड डी आंसर आ जाएगा, थर्ड। रॉन्ग स्टेटमेंट है बी एंड डी। अगला देखिए, ये आपको एक यहां पर फूड चेन बता रखी है, वृक्ष है, पक्षी और परजीवी, यानी कि ट्री बर्ड और पैरासाइट। और पूछा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एवव गिवन फूड चेन। तो अगर मैं ट्री की बात करूं तो ट्री का बायोमास ज्यादा होगा, जबकि इस पर जो बर्ड होंगी उनका बायोमास इस ट्री के कंपेयर में कम होगा। और अगर मैं पैरासाइट की बात करूं तो पैरासाइट का बायोमास और कम होगा। तो आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, ट्राइंगुलर शेप, यानी कि आप कह सकते हैं सीधा पिरामिड या इरेक्ट पिरामिड यहां बन रहा है, अपराइट पिरामिड, आंसर आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, पोषकों की अधिकता की वजह से झील का प्राकृतिक काल भवन कहलाता है, यानी कि नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट। तो आपको पता है कि अगर किसी वाटर बॉडी में आसपास से क्या आ जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, तो इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएंगे, तो इस केस में यहां पर यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सुपोषण। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। खासकर जैसे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो न्यूट्रिएंट है उनके मिलने से बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन की मेथड नहीं है। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे क्लियर लिख रखा है, वानस्पतिक उद्यान ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है, यहां पर जंतु उद्यान एक्स सिटू कंजर्वेशन है, वन्य जीव सफारी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कैसा है, इन सिटू कंजर्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेशनल पार्क, यानी कि थर्ड।
ध्यान रखना, बाकी बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ, जूलॉजिकल पार्क, ये सब कैसे है? एक्स सीटू कंजर्वेशन की मेथड है, जबकि नेशनल पार्क कैसा है? इन सीटू। आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प चुनिए, यानी कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करने में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी का इनपुट होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, ये प्रोड्यूसर लेवल पर, या आप कह सकते हैं कि ये प्लांट से स्टार्ट होता है, और अगर ये सौर ऊर्जा नहीं आएगी तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। देखिए, सोलर एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स और इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। घरेलू वाहित मल मुख्य रूप से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों का बना होता है, गलत। डोमेस्टिक सीवेज इज चीफली मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, गलत हो गया, क्योंकि उसमें तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। दूसरा देखिए, मिनेमाटा रोग मरकरी के कारण मनुष्य में होने वाला संधि स्थलों पर होने वाले दर्द से संबंधित है, गलत। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मिनेमाटा डिसीज है ये किससे होगी? मरकरी से होगी, ये तो ठीक था। मिनेमाटा डिसीज किससे होती है? मरकरी से, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जॉइंट पेन होता है, ये गलत है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसमें यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और हाथ पैरों में थोड़ा सा सुन्नपन आने लगता है, लेकिन ये दर्द नहीं होता, तो ये गलत है। अगला देखिए, लगभग 23% पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर पक्षियों का जो विलुप्ति की कगार पर है वो 23% नहीं बल्कि कितने हैं? 12%। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत। एक सही स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट। हमारा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय वन नीति सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में इतने परसेंट वन क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इतने परसेंट वन क्षेत्र होने चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन में कितने होते हैं? प्लेन में होता है 33%, जबकि यहां पर हिल्स पर अगर मैं कहूं 67, आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, सही कथन को चुनिए, यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए, केरल तथा श्रीलंका के कई क्षेत्रों में इकोसेंस शौचालय इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल राइट, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, द इकोसेंस टॉयलेट्स मे बी यूज्ड इन केरला एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही। सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को संघनन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल मिट्टी से ढक दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इन सैनिटरी लैंडफिल सॉलिड वेस्ट आर डंप इन अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे, बिल्कुल सही है। ब्लैक फूड बीमारी आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण होती है, बिल्कुल सही है। ब्लैक फूड इज डिसीज कॉज्ड बाय आर्सेनिक पॉइजनिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल फिनोमिना, बिल्कुल राइट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? प्राकृतिक परिघटना होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही कथन चुनना है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आवृत बीजी द्विनिषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म एग्जिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज। प्रत्येक भ्रूण कोष में एक संलयन की घटना होती है, गलत। द्विनिषेचन बोलते ही इसीलिए क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि इसने बोला है कि ईच एम्ब्रियो सेक में ओनली वन फ्यूजन होता है, गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला देखिए, प्रत्येक भ्रूण कोष में दो संलयन की घटना होती है, जैसे युग्मक संलयन एंड त्रिक संलयन, आंसर आ जाएगा सेकंड, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टू फ्यूजन इवेंट होते हैं या टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। पहला तो सिनगैमी जो एग सेल और मेल गैमिट के बीच में होता है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एक मेल गैमिट और दो पोलर न्यूक्लिया या ध्रुवीय केंद्रक आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवीय केंद्रकों के जुड़ने से द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है तथा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। ये स्टेटमेंट त्रिसंलयन का दे रखा है, इस त्रिसंलयन की वजह से उसको द्विनिषेचन नहीं बोलते, गलत है। दो नर युग्मकों का अंड कोशिका के साथ जुड़ना, गलत है, क्योंकि ये ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमिट विथ एग सेल, गलत है। और यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमिट का फ्यूजन जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के निकास में मौजूद 99% से अधिक कणिकीय पदार्थ को निष्कासित कर सकता है? ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एक्सोज इन थर्मल पावर प्लांट। तो पार्टिकुलेट मैटर को सबसे ज्यादा जो रिमूव करता है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको मिलान करना है। तो अगर मैं पृथ्वी सम्मेलन की बात करूं, ये किससे रिलेटेड था? जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अर्थ समिट कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मैन एंड जीव मंडल कार्यक्रम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम था वो किससे रिलेटेड था? बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑक्सीजन डिजॉल्व सॉरी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस से रिलेटेड है, शॉर्ट में लिख रखा है ODG। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, शॉर्ट में लिख रखा है GHG। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ए का फर्स्ट, चौथा आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, यहां सूक्ष्म जीवों की बात कर रखी है। यहां अगर बेसिलस थुरिंजियंसिस की बात करें, बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में यूज किया जाता है बेसिलस थुरिंजियंसिस, सही है। ट्राइकोडर्मा द्वारा पादप रोग जनकों का नियंत्रण किया जाता है, बिल्कुल सही है, फंगस है, माइक्रोब्स है। बैकुलोवायरस द्वारा कीटों पर हमला होना, बिल्कुल सही है, इसका यूज कीटों को कंट्रोल करने में किया जा सकता है। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं लेडी बर्ड बीटल, ये जो लेडी बर्ड बीटल है ये मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करने में यूज नहीं आता। और दूसरी अगर हम देखें, यहां सूक्ष्म जीवों की बात कर रखी है, तो ये लेडी बर्ड बीटल सूक्ष्म जीव नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 176। देखिए इधर 170, कॉलम एक और दो को हमें मिलान करना है, यानी कि मैच कराना है। तो देखिए इधर जल अधिनियम आता है 1974, ए का डी। वन्य अधिनियम 1972, वन्य जीव अधिनियम। वायु अधिनियम आता है 1981, और नेपा, नेपा का मतलब है ये नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आता है 1986। तो यानी कि ए का आ गया डी, फर्स्ट का डी, सेकंड, फर्स्ट का डी एक में ही आंसर आ गया, सेकंड। नेक्स्ट देखिए, आवृत बीजियों में दोनों नर और मादा युग्मक अचल होते हैं, ठीक है, अतः निषेचन के लिए दोनों को एक साथ लाना होगा, यह किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, यहां गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस को यहां हम क्या बोलेंगे? परागण कहेंगे, यानी कि पॉलिनेशन। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। तो ध्यान रखना, गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से सीधे भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, इसमें ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर, ये मान लीजिए ओव्यूल के अंदर क्या है, यहां पर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक हैप्लोइड कंडीशन में होता है, इसमें एग सेल को छोड़कर बाकी किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो इस केस में इसको बोलते हैं एपोगैमी। क्या बोलते हैं? एपोगैमी या अपयुग्मन। आंसर आ जाएगा सेकंड। तो ध्यान रखना, एम्ब्रियो सैक की एग सेल को छोड़ दो, ले लिख रखा है, अतिरिक्त अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से जब बनता है भ्रूण, तो इसको बोलते हैं अपयुग्मन। नेक्स्ट देखिए, सरसों की पूसा स्वर्णिम किस्म किस रोग के प्रति? तो सिंपल एनसीईआरटी में दे रखा है, ये व्हाइट रस्ट। आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, सोमा क्लोनल विविधता क्या है या सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पर जब हम ऊतक संवर्धन कराते हैं तो यहां सेल डिवीजन होता है, तो बाय चांस कभी कभार क्या होता है, इसमें कुछ वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या? सोमा क्लोनल वेरिएशन। आंसर आ जाएगा थर्ड। ऊतक संवर्धन के दौरान उत्पन्न विविधता, वेरिएशन एराइज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट देखिए, पादप प्रजनन का कौन सा पद प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी महत्वपूर्ण है तथा जिससे वैज्ञानिक मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है? विच
प्लांट ब्रीडिंग स्टेप इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट एंड केयर साइंटिफिक इवेल्यूशन ऑफ प्रोजेनी। यहाँ पर क्लियर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लिख रखा है कि जब हाइब्रिडाइजेशन करा लेते हैं या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और यही क्रूशियल स्टेप होता है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 182, जनसंख्या आकार को अधिक तकनीकी रूप से जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, इस संबंध में सही कथन हमें चुनना है, यानी कि पॉपुलेशन साइज को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो अब देखिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, केवल संख्या में मापना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है, प्रति इकाई क्षेत्र जैव भार अथवा घनत्व से भी माप सकते हैं, सही है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल किससे मापें, संख्या से, हम किसके थ्रू भी माप सकते हैं, जैव भार के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, घनत्व के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बी स्टेटमेंट ही रिपीट हो गया तो ये भी कैसा होगा, राइट। तो हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ, क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इसके लिए कैसे है, राइट। देखते हैं अब, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नॉट नेसेसरीली बी मीजर्ड इन नंबर्स ओनली, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, कभी हम हमेशा ऐसा नहीं है कि नंबर से ही मीजर करते हैं, कैन बी मीजर्ड बाय बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, बिल्कुल इसमें भी हम मीजर कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, इसको भी हम मीजर कर सकते हैं, यानी कि ये भी तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। अगला देखिए, 1NH3 अणु के निर्माण के समय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, तो क्लियर एनसीईआरटी में लिख रखा है कि जब एक नाइट्रोजन से दो NH3 मॉलिक्यूल बनते हैं तो इस टाइम पर टोटल लगते हैं 16 ATP, तो इस हिसाब से पर ATP कितने आ गए, 8, मतलब सॉरी पर NH3 के लिए ATP कितने आ गए, 8, आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जीवाणुओं का कौन सा युग्म NH3 का नाइट्रेट द्विपद के द्वारा परिवर्तन करता है, तो आपको पता है NH3 अमोनिया को नाइट्रेट में जब बदला जाता है तो सबसे पहले नाइट्राइट बनता है और ये काम करता है नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है नाइट्रोबैक्टर द्वारा, आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, 1 ATP परमाणुओं के संश्लेषण के लिए प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पर जब ATP का फॉर्मेशन होता है तो कितने प्रोटॉन से एक ATP बनते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर हाउ मेनी प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP, कितने आ जाएंगे, दो, तो दो, सॉरी आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक ग्लूकोज अणु के संदर्भ में क्रेब चक्र में NH2 एंड FADH2 का क्या अनुपात उत्पादित होता है, इन रिलेशन टू 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब साइकिल NADH2 एंड FADH2 का रेशियो हमें निकालना है। आपको पता है TCA साइकिल, एक ग्लूकोज के लिए TCA साइकिल दो बार चलती है, और एक TCA साइकिल की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 NADH बनते हैं और एक FAD बनता है, तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो दो, एक ग्लूकोज के लिए दो बार चलेगी तो 6 NADH बनेंगे और 2 FAD, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा, 3:1, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सॉरी आंसर आएगा सेकंड, सॉरी। एल्कोहलिक किण्वन में विषाक्तता के कारण जब ईस्ट की मृत्यु हो जाती है तब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे क्लियर लिख रखा है कि ये जो ईस्ट सेल होता है, ईस्ट सेल जब किसी मीडियम में फर्मेंटेशन करता है तो वहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करता है और बदले में क्या रिलीज करता है, अल्कोहल। धीरे धीरे अल्कोहल का परसेंट बढ़ता है और लगभग 13% पर पहुंचता है, तो ये अल्कोहल की कंसंट्रेशन इस ईस्ट सेल के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लगती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, C4
एंड सी3 चक्र में क्रमशः प्रथम ग्राही और प्रथम स्थाई उत्पाद होंगे। यानी कि आपको पहले तो C4 के रिस्पेक्ट में बताना है कि पहला ग्राही कौन है और दूसरा प्रथम स्थाई उत्पाद कौन है। फिर इसके बाद आपको बताना है C3 चक्र में प्रथम ग्राही और फिर प्रथम स्थाई उत्पाद कौन है। तो अगर मैं C4 साइकिल की बात करूं, हमने C4 साइकिल में पढ़ रखा है कि इसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये CO2 को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है, C4 एसिड बनता है। क्या बनता है, C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो C4 के लिए क्या आ जाएगा, 3 कार्बन और 4 कार्बन आ गया। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, PEP। देखिए फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, PEP, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, C4। दूसरा देखिए C3 साइकिल में फर्स्ट प्रथम ग्राही कौन है। तो अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल में जो RUBP होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ। यानी कि ये CO2 एक्सेप्टर है और इसके एक्सेप्ट करने के बाद बनते हैं 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, PGA के, जो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो देखिए 5 कार्बन एंड 3 कार्बन, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मक्का तथा गन्ने में पूलाच्छद कोशिकाओं में क्या घटित होगा, यानी कि मेज और सुगर केन में जो बंडल सीड सेल है उसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये जो मेज और सुगर केन है ये कौन से प्लांट है, C4 प्लांट है, ध्यान रखना इसमें। अब देखिए बंडल सीड सेल में क्या होगा, पाइरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में अपघटन होगा। पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये बात कर रहा है कि पूलाच्छद कोशिकाओं में ये नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए यहां पर मेन यहां बात कर रखा है किसकी, क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये नहीं है। C4 अम्ल का CO2 तथा 3 कार्बन अणु में अपघटन। तो अगर मैं बात करूं यहां पर C4 साइकिल जब चलती है तो C4 साइकिल में मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, जो PEP होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, C4 एसिड में, यानी कि जिसमें आप कह सकते हो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। फिर वो कन्वर्ट होता है मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में, और यहीं से ये कहाँ ट्रांसफर होता है, बंडल सीड सेल में। तो C4 एसिड बंडल सीड सेल में पहुंचने के बाद इससे बनता है C3 एसिड। क्या बनता है, C3 एसिड, पाइरुविक एसिड। तो देखिए C4 अम्ल का CO2 तथा 3 कार्बन अणु में अपघटन, बिल्कुल सही है ये आंसर। आंसर क्या जाएगा, सेकंड। देखिए और ATP का संश्लेषण गलत है यहां पर, दूसरा और तीसरा गलत है, आंसर आ जाएगा सेकंड। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ C4 एसिड होगा किस किस में, CO2 एंड C3 एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक चित्र दे रखा है, इससे रिलेटेड आपको यहां पर आंसर बताना है। तो इस चित्र के या फिगर के हिसाब से ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहां पर अगर मैं कहूं जियोमेट्रिक ग्रोथ को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यामितीय वृद्धि को, ठीक है। और इसके बाद ये जो बी नंबर बता रखा है ये एरिथमेटिक ग्रोथ, यानी कि अंकगणितीय ग्रोथ को, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नारियल का पानी रखता है, तो क्लियर NCERT में हम पढ़ते हैं कि ये जो नारियल का पानी है इसमें क्या मिलते हैं, साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा, साइटोकाइनिन, आंसर थर्ड। ये आपको रिएक्शन बता रखी है, उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बोनिक एनहाइड्रिल लगभग प्रति सेकंड 600,000 अणु H2CO2 उत्पन्न करता है। यदि यह एंजाइम अनुपस्थित होता है तो H2CO3 बनने कि क्या रेट होगी। मतलब आपको सिंपल तरीके से यह बताना है कि H2CO3 का जो फॉर्मेशन है वो अगर विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के होगा तो उसकी रेट क्या होगी। तो क्लियर NCERT में लिख रखा है कि अगर इसी रिएक्शन को विदाउट एंजाइम कराते हो तो H2CO3 के 200 अणु पर एक घंटे में बनते हैं, यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, तो आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, अरेकिडोनिक अम्ल का सही सूत्र है, यानी कि राइट फॉर्मूला ऑफ अरेकिडोनिक एसिड। अगर मैं अरेकिडोनिक एसिड की बात करूं तो ध्यान रखना ये जो अरेकिडोनिक एसिड है
इसको हम बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें मोर देन वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना कितने होंगे, मोर देन वन। और अगर मैं बात करूं अरेकिडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है, तो यहां पर 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां ये चारों के चारों जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कोई भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का यहां पर फॉर्मूला नहीं बता रखा, ये सारे के सारे सेचुरेटेड फैटी एसिड के ही हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ध्यान रखना चारों ही ऑप्शन गलत है। और अगर मैं अरेकिडोनिक एसिड की बात करूं, तो इसमें कार्बन कितने होते हैं, 20। यहां देखिए, अगर मैं बात करूं, ये आपको मैचिंग करानी है, तो इसमें देखिए कॉनकैनावेलिन ए ये लैक्टिन्स है, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन ये टर्पिनोइड्स हैं, यहां विनविलास्टिन और कुरकुमिन ये ड्रग्स हैं, जबकि एवरिन राइसिन क्या है, टॉक्सिन्स है। तो यहां देख लीजिए क्या आएगा आंसर, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए, पुनर्योगज प्लाज्मिड एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को खो देगी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को खो देगा। तो देखिए, अगर मैं PBR322 की बात करूं, तो नॉर्मल यहां PBR322 के हिसाब से बताया गया है, तो यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें तो यहां पर प्रेजेंट होता है क्या, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये मान लीजिए क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये है कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में दो यहां पर रिकॉम्बिनेंट सॉरी दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। अब देखिए, यदि हम ऐच्छिक या बाहरी डीएनए को PST फर्स्ट स्थल पर PBR322 में जोड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर ही ये साइट प्रेजेंट है। तो अगर इसको कट करके हम क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल या हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट करा देंगे या लाइगेट करा देंगे, तो यहां पर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। और देखिए, यदि हम ऐच्छिक डीएनए को इको आर1 पर PBR322 में जोड़ते हैं, इको आर1 की जो साइट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन से बाहर होती है, तो अगर इसको कट करके भी हम अपना एक्सटर्नल डीएनए लाइगेट करेंगे, तब भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या होगा, ये लूज नहीं होगा। तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, यदि हम ऐच्छिक डीएनए को साल फर्स्ट ऑफ पीबीआर में जोड़ते हैं, तो साल फर्स्ट की जो साइट होती है वो किसमें होगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। तो अगर यहां हम जोड़ेंगे फॉरेन डीएनए, यानी कि अगर हम साल फर्स्ट में फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे, तो टेट्रासाइक्लिन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जबकि एम्पिसिलिन एज इट इज रहेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यदि हम ऐच्छिक डीएनए को बाम H1 में कर दें, तो बाम H1 की साइट भी किसमें है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में है। तो इस केस में क्या होगा, ये भी टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर देगा, जबकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को इनएक्टिव कर देगा। तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, वह वैज्ञानिक जिन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियन जीवाणु में प्लाज्मिन के एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के लिए कोडेड भाग का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का सबसे पहले निर्माण किया, यानी कि साइंटिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय यूजिंग ऑफ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑफ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को बाहर निकालकर इकोलाई में पेस्ट इकोलाई में लाइगेट किया था। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, दिए गए उदाहरणों पर विचार कीजिए। देखिए, यहां पर आपको उदाहरण पूछा क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कितने एक वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो वाहक के रूप में अगर मैं कहूं, बैक्टीरियोफेज डीएनए हो सकता है, मतलब वेक्टर के फॉर्म में,
प्रियोन आरएनए नहीं, पीवीआर 322 हो सकता है, रेट्रोवायरस का यूज हो सकता है, डिसआर्म रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हिंदी के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो क्या है, सेकंड। इंग्लिश में देखिए, कंसीडर द गिवन एग्जांपल्स, यहां एक प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा दे दिया जो हिंदी में नहीं है, तो ध्यान रखना प्लाज्मिड डीएनए भी होगा, बैक्टीरियोफेज भी होगा, पीवीआर 322 भी होगा, रेट्रोवायरस होगा और टीआई प्लाज्मिड होगा, यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए पराजीनी जीवों को यहां पर आपको सेकंड में दिए गए उनके विशेष, मतलब कॉलम मैच कराने हैं, सिंपल सी बात है। आपको देखिए इधर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में अगर हम देखें क्या होता है, विटामिन ए ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये एनरिच होती है विटामिन ए से। नेक्स्ट देखिए, बीटी कॉटन ये अधिक उत्पादन तथा पीड़क प्रतिरोधी वेराइटी होती है, हाई ईल्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट से रिलेटेड है। फ्लेवर सेवर, ये जो फ्लेवर सेवर होता है ये अधिक जीवन काल से रिलेटेड है, ये फ्लेवर सेवर टमेटो में स्पेशली आता है, जैसे नाम ही है फ्लेवर सेवर टमेटो, तो टमाटर जो होते हैं वो कई बार क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनके पकने का जो टाइम है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ताकि वो जल्दी पक ना जाए, तो अधिक जीवन काल बढ़ा देते हैं किसके थ्रू, फ्लेवर सेवर। नेक्स्ट आएगा रोजी काऊ, आपको पता है इसका जो मिल्क होता है वो प्रोटीन से रिच होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी विष उत्पन्न करते जो नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है, तो देखिए क्राई सेकंड ए बी कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को और क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे आणविक कैची या मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर सीजर होता है जो डीएनए को कट करता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, आंसर आ जाएगा थर्ड। तो ये हमारा यहाँ पर बॉटनीज का सॉल्यूशन हमने देखा, आई होप बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हो गया, थैंक यू।